देश में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, पर दूसरी तरफ बच्चे स्कूलों के कमरों से बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? स्कूल के क्लासरूम में ईवीएम मशीनें बढ़ी हैं, इसी कारण बच्चे क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ बता दें कि स्कूल को लगे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पंजाब सरकार पढ़ाई को लेकर कई तरह के दावे तो करती है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हाँ जी, मशीन पे जी उत्तों मैं पै रहा जी, कमरे बंद है जी, उत्थे स्टाफ रूम च बहना होंगे जी, उत्थे और भी क्लासा बैठे होंगे, बाहर आने बहने जी, गर्मी बाली है जी, मैं भी आ जाता, बुक्का भी भेजा जी, पढ़ाई जी उंज मैडम तो पढ़ा रही जी, बस क्लासा ही है जी। असी 27 जून 27 तरीक तो तैनात हाँ, बच्चे छुट्टियां पै गई, बच्चों मशीन पईया ने, ठीक है सर, बच्चों को तो दिक्कत आँदी हो जो बाहर खड़े हैं, पर प्रशासन की मर्जी है जो भी चल चक्कर। असी महीना हो गया, 1.5 महीने, 1.25 महीना, 14 कमरे च पईया ने। सानू उन्होंने कहा 40 डेज़ तो बाद 45 डेज़ तो बाद चुक लेंगे मशीन, तो हाई विंग का एक भी कमरा साढ़े को नहीं है, हाई विंग के सारे कमर इन्होंने लॉक किए हुए हैं। बच्चे गर्मियों के भी बाहर बिठाते रहे हैं, हूँ कल बारिश आई है, जदों तक बच्चे असं इधर उधर किए हैं, सारे बच्चे भिज चुके थे, कोई भी एक कमरा, ईवन स्टाफ रूम के 3 क्लासा लग रही इस वेले साढ़े को, स्टाफ रूम के असी जो भी खाना पीना जो कुछ करना बच्चे नाल बिठाते हैं। प्रिंसीपल मैडम ने 2 वारी डीओ मैडम ने भी कहा भी साढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बच्चे बीमार भी हो रहे, बच्चे 3-4 बच्चे तो असं भी होश हो गए स्कूल के चुके, असं खुद डॉक्टर के कोल लैके गए इन्नी गर्मी के करके।